हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मार्केट के बारे में कि दोस्तों मार्केट 3000 या 4000 पॉइंट डेली कैसे गिर जा रहा है। और दोस्तों इसके पीछे चार बहुत बड़े कारण है। तो यहाँ पर आप जिस तरह से देख रहे हो दोस्तों, जिस तरह से मार्केट यहाँ पर गिर रहा है, अगर हम देखते हैं तो निफ्टी ने मतलब कि एक रिकॉर्ड बना दिया है दोस्तों। जब भी अगर मार्केट गिरता है, मान लीजिए 1000 पॉइंट के आसपास अगर 10% अगर मार्केट गिरती है, तो दोस्तों शायद 45 मिनट्स के लिए जो है मार्केट को बंद कर दिया जाता है। जो भी आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो, नहीं कर सकते, ठीक है। तो सोचिए, ये जो है दोस्तों रिकॉर्ड बना दिया है। और मैं आपको एक और बात बताने वाला हूँ दोस्तों, मार्केट यहाँ पर ही शांत नहीं होगा। जल्द ही आपको 7000 का लेवल टच होते हुए दिखेगा। जल्द ही, जल्द का मतलब होता है दोस्तों बस हो गया, समझ लो, समझ में आ रहा है दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। इसी महीने के आसपास में, इसी महीने के आसपास में आपको 7000 का लेवल, एक मिनट दोस्तों, 7000 का लेवल आपको जो है देखते हुए मिलेगा, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ा, बहुत बड़ी बात नहीं है जो न्यूज़ में आपको अभी बताने जा रहा हूँ दोस्तों। चार पांच ऐसे न्यूज़ है जो आपको पता रहने चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा न्यूज़ बताते हुए मैं आपको समझाने का ज़्यादातर कोशिश करूँगा, क्योंकि जब तक अंडरस्टैंडिंग पावर हमारा इंक्रीज़ नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, चाहे फॉरेन चाहे डोमेस्टिक इन्वेस्टर, ठीक है, या तो फॉरेन इन्वेस्टर हो या तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो, दोनों मिल के दोस्तों अपने सारे स्टॉक को सेल करने में लगे हुए हैं, अपने सारे स्टॉक को सेल करने में लिए लगे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, फॉरेन प्रमोटर्स, ठीक है, फॉरेन प्रमोटर सेल, एक मिनट यार, ये लाइन ज़्यादा लंबा हो जा रहा, ठीक है, एक मिनट दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फॉरेन प्रमोटर्स, यहाँ देख लो, फॉरेन इंस्टीट्यूशन सेल स्टॉक वर्थ 30,000 करोड़ इन 2019। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर अगर मैं आपको एक पूरी न्यूज़ में बताऊँ तो दोस्तों फॉरेन इन्वेस्टर जो है स्टॉक सेल करके निकल रहे हैं। ये पहला न्यूज़ है जो बैड न्यूज़ है, क्योंकि जब फॉरेन इन्वेस्टर निकल जाएंगे तो डोमेस्टिक बचेगा ही नहीं कोई। अगर डोमेस्टिक अगर मैं आपको चेक करके बताऊं तो दोस्तों डोमेस्टिक में 56,247 करोड़ शेयर, 56,247 करोड़ शेयर दोस्तों बेच दिए गए हैं, ये बेच दिया गया, ठीक है, ओपन मार्केट में बेच दिया गया है दोस्तों। ये हैं डोमेस्टिक वाले जो मैं ये आपको काउंट करके बता रहा हूँ, और जो मैंने आपको फॉरेन वाले दिखाए वो भी, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्तों। देखिए, जितना ज़्यादा सेलिंग का प्रेशर हावी होगा, उतना ज़्यादा स्टॉक मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिलेगी, ठीक है, ये बात है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो डेट सेगमेंट वाले हैं, और डेट सेगमेंट वाले भी 52,449 करोड़ शेयर, इतनी बड़ी रकम वो अपना सेल करके निकल गए हैं दोस्तों। तो उसके वजह से मार्केट में आपको बहुत बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगा, ठीक है। ये था दूसरा न्यूज़ दोस्तों। और तीसरा तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत बहुत ख़राब न्यूज़ है ये, जीडीपी दोस्तों, इंडिया का जीडीपी आपको बहुत ज़्यादा गिरती हुई नज़र आएगा। इसमें आप देख लो, तकरीबन आपको 5% के आसपास, या तो दोस्तों 6.5% के आसपास आपको गिरावट दिखेगी ही दिखेगी। अगर जीडीपी गिरा तो लिख के रख लो आप, निफ्टी ज़रूर गिरेगा दोस्तों, निफ्टी ज़रूर गिरेगा। और जब निफ्टी गिरेगा तो मार्केट गिरेगा, मार्केट गिरेगा तो सारे स्टॉक में आपको जो है नुकसान होने का ज़्यादा चांसेस है। तो इस बार दोस्तों जीडीपी जो हमारा है वो अराउंड 5%, 5% तो गिरेगा ही गिरेगा, इतना तो आप लिख लीजिए भाई, चाहे जो भी हो, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा गिरा तो 6.5% गिर सकता है, 6.5। ये तीसरा बहुत ख़राब न्यूज़ है दोस्तों। अगर ऐसा हो गया तो मार्केट में अभी और भी आपको हाहाकार देखने को मिलेगा, ये तो कुछ भी नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पूरे देश के दोस्तों सुल्ला राज्य में, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सुल्ला राज्य में, एक मिनट, सुल्ला राज्य में तकरीबन 331 शहर लॉकडाउन कर दिया गया है, 331 शहर को लॉकडाउन कर दिया गया है। ये तो आपको पता ही है दोस्तों, दिल्ली जैसे जगहों को अगर लॉकडाउन कर दिया जाएगा तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा नुकसान होगा। और ये लॉकडाउन करने की वजह से दोस्तों करोड़ों लोग घर में बैठे हैं, कोई भी काम नहीं हो पा रहा, और उसके वजह से जितने भी दोस्तों मतलब लोअर क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट को ये एक्शन
लेना पड़ गया कि अब जो लोअर क्लास के लोग हैं उनको घर चलाने के लिए क्या किया जाए। दोस्तों जितने भी वर्कर हैं, चाहे बिल्डर है, चाहे जितने कंस्ट्रक्शन एरिया है, सब कुछ रोक दिया गया है, सब कुछ। और ये था दोस्तों चौथा और लास्ट बड़ी न्यूज़। और ये आपको बता देता हूँ, GDP तो नीचे जाएगा ही जाएगा, उसके वजह से आपको बहुत बड़ा जो है आपको नुकसान देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ये टाइम में आपको एंट्री नहीं लेना है, चाहे हो सकता है कि मार्केट आपको कभी आपको बाउंस बैक दिखाते हुए नजर आए थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये बाउंस बैक के चक्कर में आप मत पड़िएगा प्लीज़। ये चार न्यूज़ बहुत ख़राब है। जब तक भारत का अर्थव्यवस्था, भारत का इकोनॉमिक स्टेबल नहीं हो जाता, आपको गिरावट कंटिन्यू देखने को मिलेगी। ये 7000 जो मैंने आपको बोला ये तो कुछ नहीं है, ठीक है, ये तो कुछ नहीं है, ये तो हो जाएगा, लेकिन इससे भी ज़्यादा गिरावट हो सकता है अगर जल्दी कोई एक्शन नहीं लिया गया तो, ठीक है। अगर आपको ये न्यूज़ लगा कि फैक्ट और डेटा जो है वो क्लियर है, तो आप इंटरनेट में भी जाके देख सकते हो दोस्तों, इंटरनेट में आप जाके देख लो, उसके बाद आप भी कंफर्म हो जाओगे। फिर मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।